फिर हम आपको ले आए हैं एक कड़वी सच्चाई दिखाने। कहीं ना कहीं जो इसके जिम्मेदार हैं वो यही कहेंगे, इस ससुर मर काहे नहीं जाता। हम मरेंगे नहीं, काहे नहीं मरेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र की लाखों जनता का हाथ हमारे ऊपर है। और हम आपको दिखा दें, देखिए गड्ढा मुक्ति की सड़क है, ये गड्ढा मुक्ति है। जरा कैमरामैन पास से दिखाइए, ये गड्ढा मुक्ति है। और जरा चारों ओर घुमा के दिखाइए, मेन चौराहा है जो सुजौली थाना चफरिया बनकटी कालीकोट बिछिया आदि को जोड़ता है। और इधर दिखाइए जरा, भैया की दुकान दिखाइए, भैया की दुकान है उन्हीं के सामने। ये देखिए ये गड्ढा, ये देखिए गड्ढा, ये चौराहे का आलम है जहाँ पर अधिकारी भी आते जाते हैं, नेता भी आते जाते हैं। और हम आपको ये मेन दिखाते हैं, अच्छा जरा आगे आइए, कैमरा मैन जरा आगे आइए, हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए ये जो अंबार लगा हुआ है, ये जो जल भराव हो रहा है, जब ये रोड बन रही थी तभी ग्रामीणों ने कहा था कि भैया जी यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त कराइए, नहीं तो यहाँ लगातार ऐसे ही जल भरा रहता है। आप देखिए आगे सेंटर है काटा, जिसको बोलते हैं गन्ना का सेंटर है, जहाँ से भारी भरकम ट्रक गुजरा करते हैं। आज ये स्थिति यहाँ बनी हुई है, कहीं ना कहीं उसका भी प्रमुख कारण है। लोगों को जो बनाने आए थे इसको, जो ठेकेदार थे, जो इंजीनियर थे, उनसे ये बात कही गई थी कि श्रीमान जी इसकी जो समस्या है इसको दूर किया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और आज ये खोपड़ी पर मंडरा रहा है। हम जरा दिखाएंगे, ये रोड है, ये सड़क है, जहाँ करोड़ों अरबों रुपए सड़क पर खर्च हो रहा है। हमको ये नहीं पता कि सड़क पर खर्च हो रहा है कि किसी की जेब में जा रहा है। हम जितिन प्रसाद जी से एक सवाल करना चाहेंगे, नाराज मत होइएगा, आपका जहाँ पे घर है वहाँ हमारी ससुराल है, उसी क्षेत्र में हमारी ससुराल है। जब हम उस क्षेत्र में लखीमपुर खीरी के धौराड़ा क्षेत्र में जाते हैं तो जितिन प्रसाद जी सच बता रहे हैं, वास्तविकता में बता रहे हैं। उस क्षेत्र को देख करके, उस क्षेत्र के विकास को देख करके कहीं ना कहीं मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं आपके क्षेत्र में रिश्तेदारी कर रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जैसे ईमानदार व्यक्ति के होते हुए ये स्थिति इस क्षेत्र की रहे, ये थाना सुजौली क्षेत्र है, इस क्षेत्र की ये स्थिति रहे। तो कहीं ना कहीं कष्ट की बात है, कहीं ना कहीं दुख की बात है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो रोडें हैं, सड़कें हैं, वो दुरुस्त हो जाएं। जब सड़कें दुरुस्त होंगी तो हमारा यातायात बढ़ेगा, जब यातायात बढ़ेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। सरकार को आज परिवहन से काफ़ी पैसा मिलता है, काफ़ी पैसा उन्हें जनता से प्राप्त होता है, पैसेंजर उन्हें काफ़ी पैसा देते हैं। और ये देखिए क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति हैं, हम कहेंगे तो झूठ मानेंगे, लेकिन चाचा से बात करेंगे। चाचा कितने, चाचा ये कितने दिनों से समस्या बनी हुई है? ये तो लगभग लगभग कई बरस बीत रहे हैं, कई बरस बीत रहे हैं। ये जब बन रहा था, ग्रामीणों ने कहा था कि भैया इसको सही करवाइए, उस समय ध्यान देते तो क्या स्थिति होती? नहीं नहीं होती। और ये जो गड्ढा मुक्ति हुई है, क्या ये वास्तविकता में, सत्यता में गड्ढा मुक्ति? नहीं, उससे ज़्यादा और गड्ढे विशेष, अभी शेष गड्ढे हैं। ये हम कहते तो कहते, हो सकता है ये अपनी TRP बढ़ा रहा हो। हम TRP बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अपना ये नहीं दिखाते हैं, हम सत्यता दिखाते हैं इसलिए, ताकि आप समझें और इस पर सरकार ध्यान दे, इसलिए हम सत्यता दिखाते हैं। और थोड़ा सा हम नाली भी दिखाते हैं आपको, ग्राम पंचायत बागपुर पंचायत की नाली है, ये देखिए खुला पड़ी है, इनको भी रेलना चाहिए सरकार को, जो इसके जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं ये एक घातक खुली हुई नाली है, इससे अनेकों बीमारियां फैल रही हैं। ये क्षेत्र के लोग हैं, ये देखिए ये बच्चे खड़े हुए हैं, हम इनसे माता जी से बात करें। माता जी कितने दिनों से नाली खुली पड़ी? बहुत दिन से पड़ी, खुली नाली पड़ी है, बहुत जमाने से पड़ी है, कोई पूछता ही ना है। और माता जी ये जो जल भराव इधर हो रहा है, ये कितने दिनों से? ये देखिए माता जी भी परेशान है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो काहे परेशान रहेंगे? उनको तो माल चाहिए और AC में सोना, AC वाली गाड़ी में चलना। अरे जरा धरातल पर आके देखिए कि बेचारे ग्रामीण अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को एक ठोस कदम उठाने चाहिए, एक मुहिम चलाना चाहिए,
ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जांच बिठानी चाहिए। बाबा जी को अपना बुलडोजर उनकी ओर मोड़ना चाहिए, क्योंकि बाबा का बुलडोजर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गरीब बेचारे जिनके पास कुछ नहीं था, रोड के किनारे या अन्यत्र सरकारी जमीन पर बसे हुए थे, उनको साफ कर दिया गया। लेकिन जो ये भ्रष्टाचार का अंबार दिख रहा है, इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इस पर जब सुधार होगा तब देश सुधरेगा, अन्यथा स्मार्ट सिटी बना देने से विकास नहीं होना है। जब स्मार्ट गांव होगा तब विकास होगा, क्योंकि 70% आबादी ग्रामीण है और ग्रामीणों को जो उनका हक है वो बाबा जी दे रहे हैं। लेकिन बाबा जी आप भी ध्यान दीजिए कि आप जो भेजते हैं वो रास्ते में ही रह जाता है, भरा तल पर ये गड्ढे ही नजर आते हैं। अगर हमारी बात से आप सहमत हैं तो आपको इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। जय हिंद।